अभी मैं हूँ फिलहाल अगरसेन की गोली में, जो कि आपको पड़ता है कनॉट प्लेस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। और देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो या तो आप कैब वगैरह बुक करके आइए, क्योंकि थोड़ा अंदर में है तो गाड़ी वगैरह चलती नहीं है, आपको बस वगैरह यहाँ पे अंदर में नहीं आती, तो आपको कैब वगैरह या फिर पैदल भी चल के आना पड़ेगा। और एंट्री वगैरह का कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है अगरसेन की बोली, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। और शाम के 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। तो अंदर चल के मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो ऐसा है कुछ अगरसेन की बोली। और अभी फ़िलहाल बारिश वगैरह के मौसम है, इसीलिए थोड़ा सा अभी पानी वगैरह ऊपर में भरा हुआ है और वहाँ पे लगा दिया है, आगे जाना मना है। और अगर आप ये सीन देख रहे हैं तो आपको याद होगा इस सीन, अपने काफ़ी मूवी में काफ़ी जगह ये सीन देखा होगा, जैसे पी की मूवी हो गई आपको और सुल्तान मूवी हो गया, तो काफ़ी मूवी में आपको इस सीन का, बॉलीवुड मूवी में काफ़ी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा इस अगरसेन की बोली का। पहले जो है, पहले अंदर जाने का भी रहता था, अभी वो बंद कर दिया गया है, अभी यहाँ पे अंदर में जाने नहीं दिया जाता है, अभी यहाँ पे सिक्कर वगैरह लगी लगा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है ये अगरसेन की बोली। और इसकी जो लंबाई है वो आपको 60 मीटर है, चौड़ाई आपको 15 मीटर पड़ जाती है। और जो टोटल स्टेप्स, आपको टोटल सीढ़ी है वो 105 सीढ़ी है। और अभी थोड़ा काफ़ी पानी का लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है। फ़ोटोशूट वगैरह करवाने के लिए आई थिंक बेस्ट है ये। 5:30 बजे के बाद ये पूरा बंद हो जाता है। और यहाँ पे आपको लाइट वगैरह भी नहीं दिख रहा होगा, पहले वहाँ पे जाने का था, अब यहाँ पे देखिए सिक्कर वगैरह लगा दिया गया है, तो अब ये रास्ता भी बंद कर दिया गया है। क्योंकि ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था ये बोली, अगरसेन की बोली, क्योंकि वाटर को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वाटर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता था, तो बेसिकली इसका बनाने का मकसद इसलिए यही था कि वाटर को स्टोर किया जाए। और 5:30 बजे के बाद आपको यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। बोला जाता है कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है दिल्ली का अगरसेन की बोली। और कुछ कहानियाँ भी रही हैं इसके, इससे रिलेटेड लोग अपनी अपनी, आपको बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी यूट्यूब पे देखने के लिए। ये जो आपको ये अगरसेन की जो बोली देख रहे हैं, ये बेसिकली तभी फेमस हुआ, पहले तो उतना फेमस नहीं था, ये तभी फेमस हुआ जब बॉलीवुड फिल्मों में आपको दिखाया गया था। ज़्यादातर आपको पी के या सुल्तान जैसी मूवी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और भी बहुत सारी फिल्मों में आपको ये दिखाया गया है। और तो कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं और फिर चले जाते हैं फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। आई थिंक बेस्ट जगह है, बस यही है। तो ये था आपको अगरसेन की बोली का पूरा ब्लॉग। और यहाँ पे आपको 5:30 बजे तक ये खुला रहता है, तो आप चाहे तो आप आके अपना आराम से फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, पर अगर दिन के टाइम में आइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बोला जाता है कि हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली का, और बहुत सारी इसकी अंदर की कहानियाँ हैं ये हॉन्टेड प्लेस से रिलेटेड। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। और उम्मीद है आपको ये अगरसेन की बोली का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए